Hello everyone. आज हम करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 22। हमने इससे पहले बाकी के आर्टिकल्स कर लिए थे आज हम आर्टिकल 22 में पढ़े पहुंचे हैं आर्टिकल 22 के हेडिंग है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस अब आर्टिकल 22 के बारे में एक सिंपल सी चीज़ जानते हैं कि देखो आर्टिकल ट्वेंटी खुद में एक पूरा आर्टिकल नहीं है ये जिस चीज के बारे में बताता है कि आपको प्रोटेक्शन मिलेगी फालतू के अरेस्ट से फालतू के डिटेंशन से ठीक है जो कि प्रिस्क्राइब बाई लॉ नहीं है जो कि बहुत ही मतलब गलत है ठीक है अगेंस्ट योर राइट टू लाइफ इक्वालिटी है वो आर्टिकल 22 में नहीं दिया गया है पूरा सीआरपीसी में दिया गया है तो सीआरपीसी को कनेक्ट करते करते हम इस चीज को कंप्लीट करेंगे सबसे पहले आता है है, आर्टिकल 22 क्लॉज जो बात करता नो पर्सन अरेस्टेड इन कस्टडी विदाउट बिंग इन्फॉर्म एज सुन एज मे बी ऑफ द ग्राउंड टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाई अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ इस बात बोली गई है कि तुम्हें अरेस्ट कर दिया गया है उसके बाद तुम्हें इन्फॉर्म किया जाएगा कि तुम्हें अरेस्ट किस चीज़ के लिए किया गया है और इसके बाद तुम्हारे पास एक राइट है राइट टू कंसल्ट ठीक है एंड टू बी डिफेंडेड बाई अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ इस चॉइस ठीक है अब देखो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा घुसना नहीं है सीआरपीसी सेक्शन नंबर फिफ्टी को कनेक्ट करना है आपको जो स्टेट करता है दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी पुलिस ऑफिसर ठीक है पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी इसके रिगार्डिंग बताता है अगर आप सीआरपीसी को इसके साथ कनेक्ट करते जाओगे तो दो चीज़ें आपके साथ में प्रिपेयर होती जाएंगी और क्योंकि ये जुडिशरी के लिए है ये वीडियोस आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा करना ठीक है अब इसमें एक केस लॉ याद रखना है केस लॉ क्या है जोगेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ठीक है इसमें क्या बोला गया था अ डिटेन पर्सन शुड शुड नो द कॉज ऑफ हिस डिटेंशन एंड इज़ एंटाइटल टू लेट एनी थर्ड पर्सन नो द लोकेशन ऑफ हिस डिटेंशन यानी कि आपको खुद पता होना चाहिए रीजन और किसी तीसरे इंसान को जो कि आपका नोन हो उसे आपको आपकी लोकेशन पता होनी चाहिए अब मेरी बात ध्यान से सुनो जोगिंदर कुमार वाला जो केस था ठीक है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बनाने की कोशिश की है एक बैलेंस किसके बीच में राइट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड द राइट्स ऑफ कलेक्टिव इंडिविजुअल्स एज अ सोसाइटी इन लाइट ऑफ़ द इंक्रीजिंग क्राइम रेट ठीक है कि तुमको पकड़ भी लेंगे पकड़ना जरूरी है अरेस्ट करना ज़रूरी है पर तुम्हारी फैमिली वालों को तुम्हारी इंडिविजुअल राइट भी मैंटेन करेंगे ठीक है तुम्हारे फैमिली वालों को बताएंगे है ना क्राइम रेट को इंक्रीजिंग क्राइम रेट एंड कंप्लेन्ट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स वायोलेशन ड्यू टू द इनडिसक्रिमिनेट अरेस्ट ओवर ईयर्स ठीक है अब आपको जोगिंदर कुमार वाले केस का एक तरह से मतलब एक तरह से पर्सपेक्टिव समझ में आ रहा होगा तो आपको आर्टिकल 22 क्लॉज क्लाज वन का मतलब आई होप समझ में आ गया होगा कि कोई भी इंसान जो है उसको डिटेन नहीं किया जाएगा बिना इन्फॉर्मेशन के ना ही डिनाई किया जाएगा कि उसकी कंसल्टेशन वाली राइट या फिर कि वो डिफेंड हो सके बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर एंड एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ चौबीस घंटे ठीक है ये कौन से सेक्शन में दिया हुआ है सी में सी सी में दिया हुआ है ठीक है

नेक्स्ट इसके बाद आता है क्लॉज टू आर्टिकल ट्वेंटी टू क्लास टू एवरी पर्सन हु इज़ अरेस्टेड एंड डिटेन इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस बिफोर द नियरस्ट मजिस्ट्रेट विदिन अ पीरियड ऑफ ट्वेंटी फोर आवर्स ऑफ सच अरेस्ट एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस

नेक्स्ट इसके बाद आप देखो आर्टिकल 22 पैराग्राफ पढ़ लेना क्या इंश्योर करता है बट आई होप आपको हेडिंग से समझ में आ रहा हो नेक्स्ट इसके बाद सेकंड जो आ, राइट है वो है राइट टू तो बी रिलीज आफ्टर 24 फोर आवर्स अब 24 फोर आवर्स में तुम तो मजिस्ट्रेट के पास जाओ या फिर क्या है ट्वेंटी फोर आवर्स में क्या करो तुम्हें रिलीज कर दिया जाए अनलेस द मजिस्ट्रेट ऑथोराइजेज फ़र्दर डिटेंशन मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाए और फिर उसके बाद आपको रिलीज कर दिया जाए जब तक मजिस्ट्रेट बोलता है कि आपको और फर्दर डिटेन करने की अथॉरिटी है कि नहीं ठीक है ये भी प्रोवाइड किया जाता है सी में इसके भी प्रोविजन सी में दिए हुए हैं कि आगे कितने टाइम तक आपको डिटेन किया जा सकता है अब देखो इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस अजीब खान द विक्टिम वॉज प्रोवाइडेड कॉम्पनसेशन एज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी किस लिए कॉम्पनसेशन क्योंकि उसे 24 घंटे से ज़्यादा उन्होंने रोक लिया था ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right है कि आपको 24 घंटे के बाद छोड़ दिया जाए ठीक है तो ये सेक्शन याद रखना सॉरी ये केस uh, याद रखना अजीब दास्ता है उसकी उसे 24 घंटे के बाद भी कोर्ट में रखा गया तो आई होप इसको आप इस ट्रिक से आपको चौबीस घंटे के बाद ये याद रहेगा ठीक है अब इसके बाद मूव ऑन करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आर्टिकल ट्वेंटी टू क्लास थ्री अब इसमें बात होती है प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में पर पहले से पढ़ लेते हैं नथिंग इन क्लास वन एंड टू शैल अप्लाई टू एनी पर्सन हु फॉर द टाइम बिंग इज एन एनिमी एलियन और टू एनी पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन ए तो आप समझ गए होंगे कि एनिमी एलियन पे इंक्लूडेड नहीं है ये चीज नेक्स्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में इसमें दिया हुआ है अब देखो जो क्लॉज थ्री है आर्टिकल ट्वेंटी टू का वो क्लियरली क्या स्टेट करता है कि जो राइट्स मैंशनड हैं क्लॉज वन और क्लॉज टू में क्लॉज वन क्लॉज टू आपको क्या राइट दे रहा है राइट कि आपको डिटेन कर दिया जाएगा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा चौबीस घंटे में ले जाया जाएगा है ना ये वाली जो राइट है वुड बी एप्लीकेबल फॉर अ पर्सन हुज डीम टू एन एनिमी एल एन एन एनिबडी हुई इज अरेस्टेड और डिटेन अंड प्रोवाइडिंग फॉर प्रीवेंटिव डिटेंशन अब हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात कर ली है कि इधर इधर नहीं लगेगा पर प्रिंटिव डिटेंशन क्या होता है उसके लिए मैंने एक पैराग्राफ दे रखा है कि अ पर्सन कैन बी पुट इन जेल कस्ट और कस्टडी फॉर टू रीजन्स अब आपको अगर समझ में नहीं आ रहा हो दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप अपनी वो बढ़ा लीजिएगा रिजोल्यूशन ठीक है वन इज दैट ही हैज़ कमिटेड अ क्राइम एन अदर इज दैट ही हैज़ द पोटेंशियल टू कमिट अ क्राइम इन द फ्यूचर जब हम सी पढ़ते हैं तो उसमें अरेस्ट में हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से केसेस में अरेस्ट कर सकते हैं ठीक है तो वो कौन कौन सा केसेस है कि अ पर्सन इज अबाउट टू कमिट एन ऑफेंस वो क्या हो गया प्रिवेंटिव डिटेंशन ही हो गया किसी चीज को होने से आप प्रिवेंट कर रहे हो तो ये उसी के बारे में है ना द कस्टडी अराइजिंग आउट ऑफ द लेटर लेटर इज प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड इन दिस अ पर्सन इज़ डीम्ड लाइकली टू कमिट अ क्राइम ठीक है इसमें क्या होता है लाइकलीनेस है कि वो इंसान जो है वो कमिट कर देगा क्राइम दस प्रिवेंटिव डिटेंशन इज डन बिफोर द क्राइम हैज बीन कमिटेड आई होप आपको प्रिवेंशन का मतलब पता होगा नेक्स्ट इसके बाद इसमें लिखा हुआ है केस ए के रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अब कोर्ट ने भी एक्नॉलेज किया कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज है वर नॉट ओनली सब्जेक्ट टू तो आर्टिकल 22 बट वर आल्सो ओपन टू तो स्क्रूटनी अंडर आर्टिकल 14 21 19 यानी कि आप अगर किसी को पहले ही डिटेन कर लोगे कुछ होने से पहले ही ठीक है आपको बस लगता है संभावना है तो वो जो डिटेंशन है वो स्क्रूटनी के अंडर होगा आर्टिकल 14 यानी कि इक्वालिटी वाले पोर्शन में आर्टिकल ट्वेंटी वन राइट टू लाइफ आप उसकी राइट टू लाइफ तो नहीं हानि कर रहे हो ठीक है या फिर उसकी लिबर्टी को तो नहीं ख़राब कर रहे हो और नाइन्टीन ठीक है नाइन्टी में बहुत सारी राइट्स आती हैं राइट टू फ्री स्पीच सबसे ज़्यादा ऊपर और सबसे ज़्यादा पढ़ने में आती है इसलिए हम सिर्फ उसके बारे में अभी बात करेंगे तो आई होप आपको ये समझ में आ गया और कौन से केस में ए के रॉय रॉय रो रहा था है ना क्योंकि उसको बोलने से पहले ही उसे चुप करा दिया गया अब इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ देख लेते हैं कि थ्री जज बेंच जो थी सुप्रीम कोर्ट की उन्होंने इसकी वैलिडिटी के बारे में बताया अहमद नूर मोहम्मद भट्टी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात ठीक है नूर वाले केस में कि वाई आर आर होल्डिंग द वैलडिटी ऑफ द पावर ऑफिस अंडर सेक्शन सी आर पी सी टू अरेस्ट एंड डिटेन ऑफ अ पर्सन विदाउट अ टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ अ काग्निजिबल ऑफेंस मैंने इस बारे में बात की है हैग्निजिबल ऑफेंस रूल दैट अ प्रोविजन कुड नॉट बी हेल्ड टू बी अनरिजनेबल एज आर्बिट्रेरी एंड देयर फोर अनकॉन्स्टिट्यूशन मेरली बिकॉज द पुलिस ऑफिशियल माइट हिस अथॉरिटी यानी कि ठीक है तुम प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकते हो ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का तो यही मतलब होता है ना और सिर्फ इसलिए कि वो पुलिस ऑफिसर कुछ कर देगा कुछ गलत कर देगा उस वजह से आप प्रिवेंट करना बंद कर दोगे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर ये समझ समझ रहे हैं आप उसी से निकली है ये चीजें उसी से नाता रखती हैं ये चीजें ठीक है दिस प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट इज अनेसेसरी टूल इन देंड्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है ये टूल बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इट ऑथोराइजेज देम टू अरेस्ट एनी पर्सन फ्रॉम होम रीजनेबल सस्पिशियस अराइज इज दट ही कैन कमिट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस और हिज एक्टिविटीज़ आर प्री जुडिशियल टू लॉ एंड ऑर्डर टू स्टेट एंड द पुलिस कैन अरेस्ट दैट पर्सन विदाआउट वॉरेंट तो आई होप आपको क्लास थ्री समझ में आया हो ठीक है क्लास थ्री के बाद हम इसमें पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स अगेंस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन अब उन्होंने आपको बोल दिया कि ठीक है आप प्रिवेंटिव डिटेंशन करो पर लॉ इतना बेकार नहीं है लॉ ने अगर आपको हथियार दिया है तो उसके साथ आपको एक शील्ड भी दी है कि ठीक है आप कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स दिए हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के अगेंस्ट जैसे कि फर्स्ट दिया है क्लास फोर में सेकंड दिया है क्लास फाइव में क्लास फोर में क्या दिया है रिव्यू बाय एडवाइजरी बोर्ड ठीक है ये दिया है कि देखो क्लास फोर ऑफ़ द आर्टिकल स्टेट करता है कि कोई भी लॉ जो कि फ्रेम किया गया है प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए गिफ्स अथॉरिटी टू डिटेन एनी पर्सन फॉर मोर देन थ्री मंथ्स अगर तीन महीने से ज्यादा तुम उसको डिटेन कर रहे हो अनलेस एन एडवाइजरी बोर्ड रिपोर्ट से सफिशेंट कॉज अब देखो सफिशेंट कॉज वाला पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है अगर सफिशेंट कॉज है तो ठीक है नहीं तो वो लॉ जो है वो मतलब तीन महीने से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो है ना द पीपल ऑन द एडवाइजरी बोर्ड शुड बी इक्वली क्वालिफाइड एज दैट ऑफ अ जज ऑफ द हाई कोर्ट एंड द रिपोर्ट नीड्स टू बी सबमिटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ सेट थ्री मंथ्स की तीन महीने से ज़्यादा करना है तो तीन महीने से पहले ही आपको सफिशेंट रीजन्स बताने होंगे नेक्स्ट इसके बाद है uh, बी में कम्युनिकेशन ऑफ ग्राउंड ऑफ डिटेंशन टू डिटेनिंग ठीक है अब देखो अगर आप किसी क्लास फाइव के अंदर ये बोला गया है कि एनी अथॉरिटी वाइल डिटेनिंग एनी पर्सन अंडर लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या करेगी कम्युनिकेट करेगी ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन टू द पर्सन एज सून एज पॉसिबल ये किसकी कि, किससे इक्वेट कर रहा है क्लास वन से इक्वेट कर रहा है हमने जो क्लास वन में पढ़ा है ना प्लस द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन शुड हैव अ रैशनल कनेक्शन विद द ऑब्जेक्ट विच द डिटेनी इज प्रिवेंटेड फ्रॉम अ ठीक है कि आपको इस इस चीज़ के लिए डिटेन किया गया क्योंकि आप ऐसा करने वाले थे एक कनेक्शन होना चाहिए नेक्स्ट इसके बाद आते हैं सी में डिटेन इज राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्लास फाइव में ही बात होती है इट स्टेट्स दैट द ग्राउंड्स ऑफ़ द डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड एज सुन एज पॉसिबल इन ऑर्डर टू इनेबल द राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन मतलब अगर आपको कुछ देखो ये भी क्लास वन से ही नाता रखता है कि अगर आपको रिप्रेजेंट uh, करवाना है तो आपको उसके ग्राउंड पता होने चाहिए आप बिना ग्राउंड्स के आप किसी वकील को कर लोगे तो उसको बताओगे क्या क्या आपको डिटेन किस लिए किया गया है वो लड़ेगा किस बात से ठीक है नेक्स्ट इसके बाद आते हैं आर्टिकल ट्वेंटी में आर्टिकल ट्वेंटी टू क्लास सिक्स बात करता है इफ द अथॉरिटी फाइंड इन्फॉर्मेशन डिस्कलोजर इज अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट इन इन्फॉर्मेशन नॉट गिवन टू गिज अब ये किस चीज़ का एक्सेप्शन है इट्स एन एक्सेप्शन टू देखो एक तो एक तो ये एक तो एक्सेप्शन तो एक तो एक 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 है किस चीज़ से रिलेटेड है

कि ये आर्टिकल पावर देता है पार्लियामेंट को तो अब आपको इस चीज़ से समझ में आ गया होगा कि इस आर्टिकल की पावर किसको देता है पार्लियामेंट को देता है यानी कि पार्लियामेंट के पास पावर है इन सब चीज़ों के बारे में किस चीज़ के बारे में अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में लॉज बनाने की ठीक है तो बस उतनी ही बात की गई है और अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो इसका पैराग्राफ पढ़ लो बट एक बार देख लेते हैं कि क्लॉज सेवन ऑफ द आर्टिकल इज द मोस्ट रिग्रेसिव ऑफ ऑल क्लाजेस इट ऑथोराइजेज़ द पार्लियमेंट टू डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसिज एंड कैटेगराइज ऑफ केसेज वे आर डिटेंशन ऑफ अ पर्सन मे बी एक्सटेंडेड ठीक है कि आप कैटेगराइज करो बताओ कितना एक्सटेंड किया जाएगा बियॉन्ड थ्री मंथ्स एक्सटेंड किया जाएगा विदाउ है ना कि नहीं uh, फिर इसके बाद क्या, क्या, क्या है विदाउट द ओपिनियन ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड बिना एडवाइजरी बोर्ड का इसमें ओपिनियन लिए बगैर वो बता सकते हैं यानी कि उनके पास बहुत ज्यादा पावर है ठीक है इसलिए इसको क्या बोला गया है है रिग्रेसिव हेडिंग क्या लिखी इसमें सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन ऑफ द डिटेनिंग अथॉरिटी नेक्स्ट इसके बाद क्या इट कैन ऑल्सो रेगुलेट द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच लॉस प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि आप समझ रहे हो आपने कोई ऑफेंस किया भी नहीं है उसके लिए आपको आर्टिकल ट्वेंटी टू क्लास थ्री के अंदर डाल दिया गया है आपकी जो राइट्स हैं आर्टिकल ट्वेंटी टू क्लास फोर क्लास फाइव में वो आर्टिकल ट्वेंटी टू क्लास सिक्स में छीन ली गई हैं और किन के द्वारा छीनी गई हैं आर्टिकल ट्वेंटी टू क्लास सेवन वाले लोगों के द्वारा तो आप समझ रहे हो आर्टिकल ट्वेंटी टू क्लास सेवन बहुत ज़्यादा रिक्रेसिव क्यों है बहुत ज़्यादा पावर क्यों रखता है तो आई होप आपको ये पोर्शन समझ में आया हो तो हमने कितना कर लिया आर्टिकल 22 टू क्लास वन कर लिया जिसमें सिंपल सी बात की गई है कि इन्फॉर्मेशन वगैरह दे दिया जाएगा लॉयर वगैरह रखने के लिए ठीक है आर्टिकल 22 टू क्लास टू में कुछ बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल बात नहीं की गई है बट केस लॉ के बारे में बताया गया है कि स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेज अजीब खान कि आपको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा चौबीस घंटे से ज़्यादा नहीं रखा जाएगा है ना बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं इसमें फिर इसके बाद आर्टिकल ट्वेंटी टू क्लास थ्री तो हम देख ही रहे हैं प्रिवेंटेड रिटेंशन के बारे में बात करता है ट्वेंटी Uh, फिर इसके बाद क्लास फोर और फाइव उसके एक्सेप्शन की बात करता है कि चलो ठीक है कुछ सेफ प्रोवाइड कर दो बट सिक्स की इस बारे में बात करता है सिक्स वापस बात करता है कि नहीं बेटा नहीं बताएंगे तुम्हें ठीक है क्यों क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है और क्लास सेवन किस बारे में बात करता है सबसे तोप चीज़ कि पार्लियामेंट को किसी और इंसान की ज़रूरत ही नहीं है किसी और कमेटी की ज़रूरत ही नहीं है टाइम और वगैरह वगैरह चीज़ें डिसाइड करने के लिए अब आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड कमेंट बिकॉज दिस चैनल नीड्स योर सपोर्ट ओके अगर आप इसको सब्सक्राइब करोगे लाइक करोगे वीडियोस को तो आगे भी और वीडियोस आती रहेंगी एंड सपोर्ट मिलता रहेगा आपका तो हमें भी अच्छा लगेगा तब तक के लिए थैंक यू और अगर आपको कुछ चेंजेस करवाने हैं तो प्लीज़ डू तो कॉमेंट थैंक यू